डिटर्मिनर्स की इस सीरीज में हम पढ़ेंगे आज लिटिल अ लिटिल द लिटिल और फ्यू अ फ्यू द फ्यू। कैसे यूज किया जाता है फ्यू अ फ्यू द फ्यू या लिटिल अ लिटिल द लिटिल, ये जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखते रहिएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज मंगल तकरवार एंड यू आर वाचिंग टॉक टू समू। आज हम सीख रहे हैं लिटिल अ लिटिल द लिटिल किस तरह से यूज किया जाता है, इसके साथ ही हम सीखेंगे फ्यू अ फ्यू द फ्यू को। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं लिटिल अ लिटिल द लिटिल। ये तीनों एक से लगते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा इनमें फर्क है। लिटिल अ लिटिल द लिटिल तीनों का ही यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ में किया जाता है। लिटिल को यूज करते हैं आप बिल्कुल ना के बराबर कम की स्थिति में। ऐसी अनकाउंटेबल नाउन मात्रा जिसे गिना नहीं जा सकता उसके लिए लिटिल को यूज करते हैं, इतनी कम मात्रा जो कि ना के बराबर हो। और अब लिटिल का यूज करते हैं बहुत मतलब कम मात्रा के लिए लेकिन सकारात्मक रूप से कहा जाता है कि वास्तव में कम तो है। और द लिटिल का किसी पर्टिकुलर यूज में करते हैं, पर्टिकुलर स्थिति में कोई चीज कम है तो करते हैं। एग्जाम्पल से आप बेटर समझ पाएंगे। लिटिल का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आई हैव लिटिल नॉलेज ऑफ मैथ्स, मुझे मैथ का लिटिल नॉलेज है, मुझे मैथ का बहुत कम ज्ञान है ये माना जाएगा। अगर किसी ने कहा है आई हैव लिटिल नॉलेज ऑफ मैथ्स, इसका मतलब है मुझे ना के बराबर मैथ का गणित का ज्ञान है। बस कहने के लिए बताया जा रहा है, ज्ञान हो सकता है मैथ का बिल्कुल ना हो लेकिन ना के बराबर है, ऐसी स्थिति बन रही है इसलिए लिटिल लगा लिया। यही सेंटेंस अगर बोला जा रहा है आई हैव अ लिटिल नॉलेज ऑफ मैथ्स, इसका मतलब मुझे थोड़ा सा ज्ञान है मैथ्स का, ये सकारात्मक स्थिति है कि वास्तव में थोड़ा सा नॉलेज तो होगा ही। अब आते हैं द लिटिल नॉलेज आई हैव ऑफ मैथ्स इज यूजलेस, थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे जो मैथ्स का है गणित का है वो यूजलेस है, वो उपयोगी नहीं है। पर्टिकुलर की स्थिति में याद किया जा रहा है, पर्टिकुलर स्थिति में बोला जा रहा है कि द लिटिल नॉलेज आई हैव अबाउट मैथ्स इज यूजलेस, मैथ्स के बारे में मुझे थोड़ा सा जो ज्ञान है वो भी अनुपयोगी है, बिना उपयोग का है। तो किसी पर्टिकुलर नॉलेज की तरफ या उपयोग किया जा रहा है। आपको पता भी होगा कि द को कहाँ यूज किया जाता है आर्टिकल को, बस वही स्थिति बन रही है कि पर्टिकुलर की तरफ इशारा कर रहा है। यहाँ से हिंदी में समझें तो कह सकते हैं जो है वह, इस तरह से उपयोग किया जा रहा है जैसे कि इसकी हिंदी हो रही है, जो थोड़ा सा ज्ञान मुझे मैथ्स का है वो भी उपयोगी नहीं है। अब आ जाते हैं फ्यू अ फ्यू द फ्यू। तो अ लिटिल द लिटिल और लिटिल का यूज किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन के पहले और फ्यू अ फ्यू द फ्यू का यूज किया जाता है काउंटेबल नाउन के पहले। इनमें फर्क केवल यही है कि काउंटेबल अनकाउंटेबल का, जिस तरह जो फर्क आपने अ लिटिल द लिटिल और लिटिल में देखा था वही फर्क आप फ्यू अ फ्यू द फ्यू में देख पाएंगे। बस फर्क दोनों में ये है कि उस अ लिटिल द लिटिल और लिटिल को यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन में और फ्यू अ फ्यू द फ्यू को यूज किया जाता है काउंटेबल नाउन में। ऐसी अब लिटिल से अब फ्यू से शुरुआत करते हैं। ऐसी काउंटेबल नाउन जो कि कम है और ना के बराबर कम है, ऐसी स्थिति में आप फ्यू को यूज करेंगे। जैसे आई हैव फ्यू बुक्स, इसका मतलब माना जाएगा कि मेरे पास कुछ किताब है, मतलब ना के बराबर किताब है, ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मेरे पास इतनी कम मतलब ना के बराबर किताबें हैं यदि मैं फ्यू बोल रहा हूं। और अगर मैं बोलता हूं आई हैव अ फ्यू बुक्स, इसका मतलब पॉजिटिवली कहा गया है कि मेरे पास थोड़ी सी किताब है, मतलब जो थोड़ी सी कहा जा रहा है वो तो है। ऐसे ही द फ्यू बुक्स आई हैव ऑफ इंग्लिश आर गिवन टू माई फ्रेंड्स, जो थोड़ी सी किताबें इंग्लिश की मेरे पास थी वो भी दोस्तों को दे दी गई हैं। तो यहाँ पर द पर्टिकुलर स्थिति में यूज किया जा रहा है और आपने देखा होगा कि बुक्स में लगा रहे हैं, बुक्स काउंटेबल में आता है तो काउंटेबल नाउन के साथ में फ्यू अ फ्यू द फ्यू का यूज किया जाता है, ठीक उसी तरह से जैसे अ लिटिल द लिटिल को अनकाउंटेबल नाउन के साथ में यूज किया जाता है। फर्क बस वही है उन तीनों में, जो था वही फर्क यहाँ पर है कि ना के बराबर कम बता रहे हैं तो फ्यू का यूज करेंगे, अ लिटिल को
कम के लिए यूज करेंगे, सकारात्मक रूप से दल ऋण को किसी पर्टिकुलर स्थिति में यूज करेंगे, जो है वह ऐसी स्थिति में यूज करेंगे। तो ये आज आप सीख चुके हैं लिटिल अ लिटिल द लिटिल के बारे में और फ्यू अ फ्यू द फ्यू के बारे में। ये जानकारी आपको कैसे लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं तो हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमेशा समय पर हमारे वीडियो मिल जाए करें। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।